कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए। आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा से सीख क्या है सर। हेलो गाइस, वेलकम टू द इजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देख के काफी ज्यादा हंसी आ रही होगी, बट आज हम बात करेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ अपडेट के बारे में और कुछ अलग मूवीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्स मैन द डार्क फोनिक्स। तो आपने जो अभी इमेज देखी थी लीक वाली, तो उसमें काफी लोग खड़े हुए थे स्पेस सूट पहनकर और पीछे ब्लू कलर का क्रोमा लगा हुआ है। तो यहाँ पर शूट हो रहा है एक्स मैन द डार्क फोनिक्स का लास्ट सीन, जिसमें कि फोनिक्स की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे स्पेस में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। ये है लास्ट सीन। उसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये मूवी देखी और इसके जो रिजल्ट आए बिल्कुल फैंटास्टिक आए और ये मूवी सुपरहिट होने वाली है डीसी की। उसके बाद बैटमैन मूवी को 2019 का प्रोडक्शन डेट मिल चुकी है, जो कि हमें 2020 तक बैटमैन मूवी देखने को शायद मिल जाएगी। उसके बाद डेडपुल 2 में जो जगननॉट विलेन है, एक्चुअल में कन्फर्म ये हुआ कि केवल विलेन नहीं है और जगननॉट ही मेन विलेन होगा डेडपुल 2 में। उसके बाद हमारी डेवेंडा ने इस मूवी को छोड़ दिया था, बट अब लियाजाना को कैप्टन मार्वल मूवी में कंफर्म कर लिया गया ऑफिशियली और वो कोई रोल करेंगी मिस्ट्री का। पीटर डिंकलन का एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक मिस्ट्री रोल था, बट वो कंफर्म नहीं है अभी भी क्या है, बट वो ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुके हैं कि वो इस मूवी में है, क्योंकि हाल ही में एक पोस्टर लॉन्च हुआ था मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग का और उनका नीचे नाम मेंशन कर रखा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की पूरी टीम में। और देन उसके बाद मोशन ग्राफिक पोस्टर जब लॉन्च हुआ था तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की सबसे ज्यादा टिकट बिकी थी उसी टाइम, यानी कि फ्राइडे को जब ये पोस्टर लॉन्च हुआ, ये रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उसके बाद थॉर और थेनोस को सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग टाइमिंग है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। उसके बाद जब ट्रेलर में थॉर अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो उसके हाथ में हथौड़ा लगा होता है और ये सीन रिमूव कर देते हैं सीजीआई द्वारा, जिससे कि मार्वल फैंस को पता ना चल सके कि थॉर का हथौड़ा एक्चुअल में दिखता कैसे है। बट मैं आपको ऑलरेडी सब वीडियोस में रिवील कर चुका हूं कि उसका हथौड़ा कैसा दिखता है। उसके बाद हमारे हेमडाल एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में मूवी में देखेंगे और वो अपनी तलवार से कमाल दिखाने वाले हैं और बुरी तरीके से आउटराइडर्स की गर्दन भी काटने वाले हैं। उसके बाद हमारे हल्क का एक सीन होने वाला है काफी दमदार। जी हाँ, तो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले पार्ट में ही थैनोस वर्सेस हल्क देखने वाला है, जो कि मुक्के मुक्के की लड़ाई होगी। जी हाँ, तो वो एक दूसरे के दमदार घूंसे मारने वाले हैं। उसके बाद हमारे जीमो कंफर्म हो चुके हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 पार्ट 2 को छोड़कर। जी हाँ, वो मार्वल फेज 4 के बाद ही हमें देखेंगे, तो वो कैसे आ रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद इमोनी मो कंफर्म हो चुके हैं कि वो डोरेमामू यानी कि उससे ही पावर लेते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स बिल्कुल सेम है। उसके बाद केविन फाइगी ने इससे पहले कमेंट करा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में 5 मिनट में थैनोस लोगों को ये बता देगा कि वो 10 साल में एमसीयू का कितना बड़ा विलेन है। तो गाइस, ये थे आज की अपडेट। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर रॉबिन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।